भोपाल दौरे पर आए भाजपा के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे राजनीति में 20 साल हो गए हैं, मेरी उम्र की हाफ सेंचुरी पूरी हो गई है और मेरा चेहरा भी बुजुर्ग होने लगा है। उनके इस बयान के कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में आने से प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार गिरी थी और तब से ये कयास लगाए जा रहे थे कि उन्हें मध्य प्रदेश में सरकार बनाने का तोहफा केंद्रीय मंत्रिमंडल के रूप में मिलेगा। लेकिन एक साल से ज्यादा बीतने के बावजूद भी अभी तक सिंधिया को मोदी मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है और अब उनके इस तरह के बयान के कई राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश का हूं, मैं भोपाल नहीं आऊंगा, मैं मध्य प्रदेश नहीं आऊंगा तो मैं कहां जाऊंगा? ये कोई नई बात है क्या? आप लोगों को मेरा चेहरा देखते हुए अब ये चेहरा भी थोड़ा बुजुर्ग होते जा रहा है। 20 साल हो गए, हम भी 50 से ऊपर हो गए, हाफ सेंचुरी हमारी हो गई, तो जनसेवा के पथ पे मैं चला हूँ और उसमें दौरा अनिवार्य है ताकि जनता के बीच में उनका दुख दर्द बांटने का जो संकल्प हमने लिया है जनसेवा में, उस संकल्प को हम पूरा कर पाएँ। आज मैं भोपाल पहुँचा हूँ, पिछले 10 दिन में मेरे 11 जिलों की दौरा हो चुकी है। ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, विदिशा और अब मैं भोपाल पहुँचा हूँ और ये दौरा मेरा निरंतर चलेगा। कोरोना काल में जिन लोगों को हमने खोया है उनके बीच में जाकर परिजनों का दुख बांटना ये हमारा दायित्व है। इन दौरों में मैं करीब करीब 300 से 350 घर में स्वयं गया हूँ, एक एक व्यक्ति से मैं स्वयं मिला हूँ। भोपाल से EMS TV के लिए वीडियो जर्नलिस्ट देवेंद्र माली के साथ हेमंत माली की रिपोर्ट।